हेलो दोस्तों, ज्ञानपुरी यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोए की, कोए से जुड़े एक पौराणिक रहस्य। आखिर क्या रिश्ता है यमराज का इसके साथ? ये तो एक मान्यता यह भी है कि हिंदू धर्म में प्रचलित है कि जब भी किसी के घरों के आसपास या उसकी छतों के ऊपर कोई काला कौवा काव काव करता है तो यह संकेत होता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। ये सब थी मान्यताओं की बात, परंतु क्या आप कभी इसकी तरफ ध्यान दिया है कि आखिर क्यों इस पक्षी का वर्णन अक्सर हमारे पुराणों में और ग्रंथों में होता है? आखिर क्या संबंध है कौए का हिंदू धर्म से? यहाँ तक कि जब हम अपने पितरों को श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो हम सभी इस पक्षी के अहमियत देते हैं और पितरों के भोजन के साथ साथ कौए के भोजन के लिए भी अलग से थाली निकाल देते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या महत्व है इस विचित्र पक्षी का हमारे धर्म में। दरअसल पुराणों के अनुसार यह है वर्णित है कि कौआ यमराज का दूत है, और जब हम श्राद्ध के अवसर पर अपने पितरों को अन्न अर्पित करते हैं तथा कौए के लिए भी अलग से अन्न की थाली लगाते हैं तो कौआ यमराज के दूत होने के कारण यमलोक में जाकर हमारे पूर्वजों को उनकी संतान एवं उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराता है। श्राद्ध भोजन में सम्मिलित किए गए भोजन की मात्रा तथा खाद्य सामग्री को देकर कौआ पूर्वजों को हमारी सुख सुविधा तथा हमारे जीवन के हर पहलुओं से जुड़ी बातों की जानकारी देता है। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है तथा उनकी संतान सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इसके साथ कौए से कई अन्य अनेक रहस्य भी जुड़े हुए हैं। पुराणों में कौए को की विशेषता बताते हुए यह कहा गया है कि इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी तथा वृद्धावस्था में भी इसकी मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है। जिस दिन किसी कौए की मृत्यु होती है उस दिन उसका कोई भी साथी भोजन नहीं करता। कौआ अकेले में भोजन कभी नहीं करता, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। यह पक्षी बिना थके मीलों तक उड़ सकता है। कहा जाता है कि कौए को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही अभाव होता है, आभास हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कोई क्षमतावान आत्मा कौए के भीतर प्रवेश कर विचरण कर सकती है। तो ये थी कुछ बातें कौए के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।